दोस्तों, अगर आपसे किसी क्रिएचर के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे कई एनिमल्स के नाम और उनके पिक्चर्स याद आ जाएंगे जिसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या आपने ऐसे एनिमल्स को देखा है जो इनविजिबल होते हैं, तो ये सुनकर आपको जोर का झटका जरूर लगेगा। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी कोई एनिमल होता है क्या। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं और ये सर्वाइव कैसे करते हैं। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलेंगे जहां कई ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। नंबर 12, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, जरा गौर से देखिए इस क्लिप को। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, भला कोई पत्ता भी कभी डांस कर सकता है क्या भला। हम आपको बता दें कि ना तो यह कोई पत्ता है और ना ही यह डांस कर रहा है, बल्कि यह पत्ते जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसे हम लीफ इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। असल में ये क्रिएचर जंगल में रहने वाले कई एनिमल्स और बर्ड्स का पसंदीदा भोजन होता है, इसलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का पैंतरा आजमाना पड़ता है। अपनी जान पर जरा भी खतरा महसूस करते ही ये क्रिएचर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, जिससे कि कोई उन्हें देख ना पाए। अब बात करें इनके खाने पीने की, तो ये पेड़ों पर आने वाले फलों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं, और बात करें इनके बसेरे की, तो ये अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजार देते हैं। नंबर 11, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। अब जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए। इसे देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि भला ऐसे आंखों वाला भी कोई पेड़ होता है क्या। तो जरा एक मिनट ठहरिए, यह कोई आंखों वाला पेड़ नहीं, बल्कि इस पेड़ पर बैठा एक उल्लू है जिसका नाम है ईस्टर्न स्क्रीच आउल। और उसकी खासियत यह है कि जब यह किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो खुद को पेड़ में इस कदर छुपा लेता है कि दूर में सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं, और अगर कहीं इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो यह पूरी तरह से पेड़ में ही मिक्स हो जाता है। इस हालत में किसी के लिए भी यह बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ पेड़ है या पेड़ पर कोई आउल भी बैठा है। अब बात करें इसके रहने की, तो सूखा हुआ पेड़ इसका पसंदीदा बसेरा होता है, क्योंकि सूखे पेड़ में यह खुद को आसानी से छुपा लेता है। नंबर 10, द बफ टिप मॉथ। अब इस क्लिप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो ऐसा सोचकर आप गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि यह कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह द बफ टिप मॉथ नामक एक क्रिएचर है, और यह दुनिया का सबसे ज्यादा इनविजिबल क्रिएचर में से एक है। यही कारण है इस पर जल्दी किसी इंसान की नजर ही नहीं पड़ती। द बफ टिप मॉथ ज्यादातर जंगलों का गार्डन में ही पाया जाता है, और यह जून जुलाई के महीने में ज्यादातर दिखाई देते हैं। अब बात करें इनके रहने की, तो द बफ टिप मॉथ ज्यादातर पेड़ों के अंदर छुपकर रहना पसंद करते हैं। नंबर 9, पिग्मी सी हॉर्स। दोस्तों, आमतौर पर समुद्र में जितने भी छोटे क्रिएशंस होते हैं, इनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोई भी बड़ा समुद्री एनिमल इनको बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी सी हॉर्स भी एक बहुत ही छोटा समुद्री क्रिएचर है, जिसका आकार करीब 2 सेंटीमीटर तक का होता है। लेकिन पिग्मी सी हॉर्स सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह ज़रूरत के हिसाब से अपना कलर बदलने में माहिर होते हैं, जिससे इंसान तो दूर कोई जानवर भी इनको आसानी से नहीं देख पाता। पिग्मी सी हॉर्स आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नंबर 8, लेप्टोसीफेलस। शीशे के आकार का दिखने वाला ये क्रिएचर लेप्टोसीफेलस नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी समुद्री क्रिएचर है जो खुद को छुपाने में सबसे अधिक माहिर होता है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री एनिमल इन्हें आसानी से देख नहीं पाते, और ऐसी हालत में यह दूसरे समुद्री एनिमल्स को जानलेवा हमलों से खुद को आसानी से बचा लेते हैं। लेप्टोसीफेलस अंडों से निकलने के बाद 3 महीनों तक ऐसे ही इनविजिबल रूप में रहते हैं, और जब ये इन्हें एहसास हो पाता है कि अब अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, तो यह अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपनी बॉडी को अपने हिसाब से बदलने का यह हुनर इन्हें नेचुरल रूप से मिलता है, जिसकी बखूबी इस्तेमाल कर ये क्रिएचर काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नंबर 6, ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, जब आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं तो आप अपने आसपास कई तरह की कलरफुल बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते होंगे, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अगर आपसे कोई यह पूछे कि ये क्या है, तो आपको एक ही जवाब होगा कि यह एक पत्ता है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है, जिसका नाम ओक लीफ बटरफ्लाई है, जो आमतौर पर देखने में तो एक सूखा हुआ पत्ता ही लगता है,
लेकिन यह तितली अंदर से बहुत ही कलरफुल होती है। जंगलों में इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। ओक लीफ बटरफ्लाई आमतौर पर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। नंबर 6, ग्रेट ट्री फ्रॉग। ये फ्रॉग की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर पेड़ों पर रहना पसंद करती है। ग्रेट ट्री फ्रॉग अपने बॉडी के कलर को बदलने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। अपनी जान पर खतरा महसूस होते ही यह अपने रंग को बदलकर ट्री के कलर जैसा बनने लगता है, जिससे कोई इसे देख नहीं पाता। ये आमतौर पर अमेरिका, साउथ ईस्टर्न कैनेडा में पाए जाते हैं। इनका कलर वाइट, ग्रे और ब्राउन भी होता है और इसका साइज करीब 2 इंच तक होता है। नंबर 5, मॉसी फ्रॉग। अब हम बात करते हैं मॉसी फ्रॉग के बारे में, लेकिन इससे पहले ज़रा इन प्लांट्स को देख लीजिए। इससे मॉसी प्लांट के नाम पे जाना जाता है और ये प्लांट पानी वाली जगह पर देखने को मिलता है। मॉसी फ्रॉग को ये नाम इसी प्लांट की वजह से मिला है, क्योंकि यह क्रिएचर इस तरह के प्लांट में खुद को आसानी से छुपा लेते हैं। अगर आपका सामना भी कभी मॉसी फ्रॉग से हो जाए तो यकीन मानिए आपके लिए भी पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि यह कोई फ्रॉग है या किसी प्लांट का टुकड़ा। हम आपको बता दें कि यह मॉसी फ्रॉग नामक क्रिएचर ही है जो खुद को मॉसी प्लांट और बाकी कई तरह के जंगली प्लांट्स के बीच खुद को इस कदर छुपा लेता है कि इंसान के लिए फ्रॉग और प्लांट में अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस फ्रॉग का आकार करीब 5 से 6 सेंटीमीटर तक होता है और यह ज़्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं। नंबर 4, पिंक विंग्ड स्टिक। दोस्तों, इस धरती पर बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी बॉडी का कलर पेड़ों के पत्तों और शाखों की तरह होता है। पिंक विंग्ड स्टिक भी ऐसे ही एक क्रिएचर है और इसकी खासियत यह है कि यह किसी भी जगह पर इनविजिबल हो सकता है। इसके साथ ही इसमें एक और खासियत होती है कि जब इसे अपनी जान पर खतरा महसूस होता है तो यह खुद को इस कदर एक्टिंग करने लगते हैं मानो यह मर गए हों। यह अपनी हरकत बिल्कुल ही बंद कर देते हैं और एक मरे हुए क्रिएचर की तरह चुपचाप पड़े रहते हैं। पिंक विंग्ड स्टिक ज़्यादातर साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया और मडास्कर में पाया जाता है। नंबर 3, लीफ टेल्ड गेको। अब ज़रा इस लीफ टेल्ड गेको को ही देख लीजिए। इसके पास खुद को किसी की नज़र से बचाने का गजब का हुनर है। ये किसी पेड़ पर इस कदर विराजमान होती है कि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी इसको पहचानने में धोखा खा जाता है। लोगों को यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पेड़ पर लटका या कोई सूखा पत्ता है या कोई क्रिएचर पेड़ पर आराम जमाए बैठा है। ये अजीब से दिखने वाले लिजार्ड मडास्कर आइलैंड पर पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यह लिजार्ड के पास माहौल के हिसाब से अपनी बॉडी के रंग को बदलने की काबिलियत भी होती है। अब बात करें इसके खाने की, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर ये अपना गुजारा करती है। नंबर 2, ऑक्टोपी। अब ज़रा इस क्रिएचर को भी देख लीजिए। इसका नाम ऑक्टोपी है, जिसे समुद्री एनिमल से बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की उपाधि हासिल है। ऑक्टोपी ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्टोपस इनविजिबल कैसे हो सकता है, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस क्रिएचर के पास भी माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलने की कमाल की क्षमता होती है, जो इसे नेचुरल रूप से प्राप्त होती है। यूं तो ऑक्टोपस गहरे भूरे रंग के ही होते हैं, लेकिन अपने ऊपर किसी भी तरह के खतरे को भांपते ही ये उस जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं जहाँ वो मौजूद होते हैं। नंबर 1, विलो टैमिंगन। दोस्तों, इस धरती पर कई तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन विलो टैमिंगन ये बर्ड बाकी बर्ड से काफ़ी अलग, यूनिक और बेहद ही खूबसूरत होता है। इनका कलर प्योर वाइट होता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में इस बर्ड को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी बॉडी का कलर इतना वाइट होता है कि बर्फ़ में बैठने के बाद ये बिल्कुल नज़र नहीं आती और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाती है। विलो टैमिंगन खास तौर पर अलास्का और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका साइज़ करीब 1 फीट का होता है और इसका वज़न 0.5 किलोग्राम से थोड़ा ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी लाइफ में भी आपका सामना कभी ऐसे इनविजिबल एनिमल्स के साथ हुआ हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।